नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। है इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ममता बनर्जी, ममता दीदी इतना जोर जोर से बोलती है, जोर जोर से बोलती है कि लगता है कि इनको हो क्या है। परंतु मित्रों, मैं उनको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, ये मतुआ और नाम शूद्र परिवार जो दलित है, ये यहां आए हैं, दलित बंगाली, उनको नागरिकता मिल रही है, आपको उसमें तकलीफ क्या है? भाई बता दो हमें, इसमें तकलीफ क्या है? आपने ही 2003 के अंदर देश की संसद में मांग करी थी कि इनको नागरिकता देना चाहिए। मित्रों, अभी अभी एक साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए, घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे। जब आप कर रहे हो तो बरोबर है, और मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है। हम विरोध से डरने वाले नहीं, हमारा तो जन्म ही विरोध में हुआ, हमारा लालन पालन विरोध में हुआ। हमने विपक्ष में रहकर भी ये बात कही थी और सत्ता में रहकर भी ये बात कर रहे हैं मित्रों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध करते, ये राहुल बाबा को आदत पड़ी है, देश हित की जो भी बात है इसका विरोध करना। ये अखिलेश, मायावती, ममता जी, उनको आदत पड़ी है देश हित की जो भी बात हो इसका विरोध करना। मित्रों, आप मुझे बताओ, या हजारों लाखों की संख्या में आपको मैं आपको पूछने आया हूं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती करी थी, हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम। 70 साल से ये भारत माता का मुकुट बनी कश्मीर हमारा भिन्न अंग नहीं माना जाता, लोग शंका उठाते, कश्मीर के अंदर अकेला तिरंगा नहीं फहरता था, और धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने उठा दी और आज कश्मीर के अंदर हमारा प्यारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। मित्रों, आसमान की ऊंचाइयों को, अब हमने 370 हटाई। कांग्रेस, सपा, ममता सब कहते हैं कि 370 मत हटाओ, मत हटाओ। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त होने जा रहा है। मित्रों, समाप्त होने जा रहा है। मित्रों, मित्रों, साहबानों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी, साहबानों ने अपने अधिकार की आवाज उठाई थी, इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों की आवाज उठाई थी कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए। मगर ये वोट बैंक के लालची लोग मुस्लिम माताओं बहनों के कल्याण के लिए देश के 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है, मगर भारत के अंदर संभाल कर रखा था। आपने 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 303 सीटें दी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक दिया। अबे ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं 18वीं सदी में चले जाइए, मुस्लिम माताओं को कल्याण, उनका कल्याण हो, ऐसे कानून मत दीजिए,
बहनों को अधिकार मत दीजिए। अरे विरोध करना है इतना करोड़ अखिलेश, कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के ट्रिपल तलाक को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया है। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, लोगों को मार देते थे। ये 5 प्रेरित आतंकवादी हिंसा का तांडव करते थे और मनमोहन सिंह की सरकार उसके मुंह में से ऊफ नहीं, मौनी बाबा एक शब्द नहीं हुए। आपके यूपी वालों के कारण नरेंद्र मोदी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी। उरी और पुलवामा में उनको गलती की और दोनों वक्त मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को चूर चूर करने का काम किया। मुझे बताओ लखनऊ वालों, मुझे बताओ लखनऊ वालों, आतंकवादी देश पर हमला करे तो उसको दृढ़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनका खात्मा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समर्थन में आप हैं या नहीं है? ये राहुल बाबा और अखिलेश जी कहते हैं एयर स्ट्राइक क्यों करी, क्या सबूत है, आप क्या करना चाहते हो, गुमराह लोगों पे बम क्यों गिरा रहे हो? गुमराह ही लगते हैं तो आपकी पार्टी में सदस्यता दिला दो भैया। हमारे पास तो एक ही बात है, जो आतंकवादी देश की जनता को देश के जवान को हमला करेगा उसको अपनी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। हम मित्रों एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इसका भी ये राहुल बाबा एंड कंपनी अखिलेश एंड कंपनी ममता बनर्जी मायावती विरोध करते हैं। मित्रों अभी अभी मैं तो अवध की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, ये अवध साम्राज्य का हिस्सा है हमारा लखनऊ। 500 साल से भगवान राम का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, लाखों लाखों लोग आंदोलन करे, करोड़ों लोग आंदोलित हुए, कई लोगों की जान की शहादत की, मगर प्रभु श्री राम का मंदिर कांग्रेस जब तक थी बनने नहीं दे। जैसे ही कोर्ट में केस आता था कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी मत करिए, रहने दीजिए। क्यों भैया कपिल, क्यों रहने दे? आपने 303 सीट मोदी जी को दे दी, सुप्रीम कोर्ट में केस गति से चला और मैं आपको कहने वाला हूं 3 महीने में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर वही भूमि पर गगनचुंबी मंदिर बनेगा, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा कि हमारे जीवन के अंदर रामलला विराजमान को वहां पर हम देखेंगे। इसका भी एक कांग्रेस अखिलेश मायावती विरोध करे। मित्रों 2 साल पहले जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000 1000। भाई मुझे बताओ, मैं जनता को पूछने आया हूं, जो भारत माता के 1000 टुकड़े करने की बात करे उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
मोदी जी ने उनको जेल में डाला और अखिलेश, मायावती, राहुल एंड कंपनी कह रही है ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। और मित्रों, ये सारी चीजों में जो राहुल बाबा की भाषा है, जो अखिलेश की भाषा है, जो बहन मायावती और ममता की भाषा है, वही भाषा इमरान खान बोल रहा है। राहुल बाबा कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान भी कहता है एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ। इमरान खान कहते हैं सीए नहीं होना चाहिए, राहुल बाबा कहते हैं सीए नहीं होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं धारा 370 मत हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 मत हटाओ। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इन लोगों और इमरान खान के बीच में संबंध क्या है, दोनों की भाषा की है, दोनों की भाषा है। मित्रों, अंत में मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई मेरे जो शरणार्थी बनकर आए थे, अरबों खरबों रुपया की संपत्ति छोड़कर यहां भिखारी बन गए, जिनके पास खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, वोट देने के लिए नागरिकता नहीं है, जिनके पास दवाई की सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है, इनको मोदी जी ने नागरिकता देकर सम्मान देने का निर्णय किया है। मित्रों, सम्मान देने का निर्णय, मुझे बताओ भाई, लखनऊ वालों, मोदी जी सीए लेकर आए हैं, सुनो भैया, ए युवा सुन लो जरा, मोदी जी जो सीए लेकर आए हैं, आप सभी लोग इसके साथ हो या नहीं हो जरा जोर से बोलो, मोदी जी के साथ हो? आप चाहते हो देश में सीए रहे? आप चाहते हो मोदी जी देश के ऐसे काम करते रहे? तो कितने लोगों के पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर करो, मोबाइल बाहर निकालो, नहीं मोबाइल बाहर निकालो भाई, मोबाइल अपना अपना मोबाइल सब निकाले, नेता भी बैठे हैं, निकाले जरा, निकालो मोबाइल। मित्रों, एक नंबर मैं बोलूंगा, मोबाइल को डायल मोड पर ले लो, वो नंबर दबाने से आप मोदी जी का समर्थन तुरंत कर दोगे, मिस कॉल देना है, निकालो जरा, डायल मोड पर ले लो, ले लिया सबने, बोलो ध्यान से सुनकर बटन दबाना, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2 दबा दीजिए आप, दब गया तो आपका समर्थन मोदी जी के पास पहुंच गया। घर में सब परिवारों का, मित्रों का समर्थन ये नंबर डायल कर मोदी जी के पास पहुंचाइए। मित्रों, ये लड़ाई है जो भारत का घोड़ा चाहने वाली और भारत के टुकड़े करने वालों के बीच की लड़ाई है, और मुझे भरोसा है देश की जनता, हमारे प्रिय नेता, भाजपा के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। अंत में मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, मित्रों, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की वंदे मातरम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।